हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपको क्लास टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरे कोऑर्डिनेट के पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो विजय सर देवघर चैनल में जाकर देख सकते हैं, उन्हें वहाँ सारे का सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आइए कोऑर्डिनेट चैप्टर से आगे का सवाल करते हैं। So that the points A 6, 9, B 0, 1 and C -6, -7 are collinear। कह रहा है कि पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट 6, 9 है, पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट 0, 1 है एंड पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट -6, -7 है, कह रहा कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक रेखा में है कि नहीं, उसे हिंदी में एक रेखीय कहते हैं या संरेखी कहते हैं, मतलब एक रेखा में है कि नहीं यह प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए बना रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ए बी तो क्या बोला था, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ए बी का निकाल रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट माइनस इसका पहला पॉइंट, मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर। क्या किए, ये दोनों को माइनस किए, हो गया। अब करेंगे इसको माइनस, इसका दूसरा पॉइंट माइनस इसका दूसरा पॉइंट प्लस, मतलब y2 - y1 यानी कि 1 - 9 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो बच्चों, 0 - 6 क्या हो गया, -6 क्या हुआ, 36 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करने से प्लस होता है, 1 - 9 तो -8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 यानी कि 100 हो गया। 100 का आपका निकल जाएगा स्क्वायर रूट, क्या निकल जाएगा, 100 का 10 निकल जाएगा। क्या निकाल दिए, 10 यूनिट। क्या निकला आपको समझ गए, क्या निकला, 10 यूनिट। अब ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। क्या निकालिएगा, बी सी। बी सी कहाँ कहाँ बी सी है तो इसे अब कर देते हैं, मिटा देते हैं। बी सी देखिए, बी है और ये सी है, तो मतलब इसका दूसरा पॉइंट माइनस इसका दूसरा पॉइंट, मतलब -6 ये -6 इसका पहला पॉइंट माइनस इसका पहला पॉइंट, -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -7 - 1 का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC निकालना है तो इसका पहला पॉइंट माइनस इसका पहला पॉइंट, फिर बीच में प्लस देना है -7 - 1, ठीक है ना, दोनों में स्क्वायर दे देना है, बीच में प्लस पड़ेगा, कितना हो देखिए दोनों, -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। 7 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 1 8, 8 64, ये भी हो गया 100, इसका भी हो जाएगा 10 यूनिट। कितना बच्चों, ये भी हो गया आपका 10 यूनिट। ए बी हो गया, बी सी हो गया, चलिए आप ए सी में आइए। किसमें आइएगा, ए सी, एयर कंडीशन में आइए। ए और सी तो क्या करेंगे, माइनस इसका पहला पॉइंट माइनस इसका पहला पॉइंट, -6 - 6 - 6 और बीच में क्या पड़ता है माइनस, वही बीच का माइनस दिए 6 का होल स्क्वायर, मतलब इतना माइनस इतना प्लस। ए सी है तो पॉइंट है वो ए और सी का देखना है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट, -7 - -9 का होल स्क्वायर कितना हो गया, -6 - 6 = 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। बराबर है 44 से, मतलब 12 को 12 से गुना करेंगे 144 होगा। 9 - 7 = 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 कितना होगा, आप गुना कर देख लीजिएगा, 16 - 16 256 आएगा। तो 256 और 144 हो गया 400 यानी कि 20 यूनिट। आप देखना है कि ए बी बी सी और ए सी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो बी से बाबू, तो बी सी इसका वैल्यू था ए सी का, तो ए सी का मान हम एल एच एस में ले लिए। आप देखना है कि अब जो दो ठो बच गया, एसी को तो ले लिए यहाँ पर, ले लिए ना, दो ठो कौन बचा, ए बी और बी सी। अब उसको हम देखेंगे जोड़ के, अगर बोथ साइड इक्वल हो जाए, मतलब दोनों और बराबर हो जाए तो कोलिनियर होगा, बराबर नहीं होगा तो
कोलिनियर नहीं होगा। चेक कीजिए एसी का वैल्यू कितना था 20, एबी कितना आया 10, बीसी कितना आया 10, ये वाला यूनिट है 100 में पढ़ लीजिए 10 यूनिट UNIT, ठीक है बी यूनिट है UNIT क्वेश्चन। तो देखिए 10 प्लस 10 दोनों साइड बराबर हो गया, इधर 20 आ गया इधर 20 आ गया, सो यहां लिख दीजिएगा पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, मतलब बिंदु ए बी सी क्या है एक रेखा में है, उसी को हम कहते हैं कॉलिनियर। ध्यान रखिएगा कॉलिनियर होने क्या शर्त है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी ए सी आप जो मानिएगा, यहाँ ए बी सी दिया था ए बी सी लिखे हैं, पी क्यू आर देगा तो भाई पी क्यू क्यू आर सब तीनों निकाल लेंगे उस तरह से, ए बी बी सी ए सी निकाल लिए, अब जो सबसे बड़ा रहेगा उसे एक साइड लिख लेंगे, बाकी जो दो ठो बचेगा उसको जोड़कर देख लेंगे, अगर दोनों साइड का यानी कि LHS और RHS का मान बराबर आ जाएगा तो समझेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द ऑर्डिनेट, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 10 एंड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स पी हुज कोऑर्डिनेट गिवन 2 एंड -3। अब सबसे पहले यहां दो ठो नया वर्ड आपको दिखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है ऑर्डिनेट और एक मिल रहा है एब्सिसा, क्या मिल रहा है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, तो घबराने का बात नहीं है, ये जो होता है ना एक्स पॉइंट उसे हम कहते हैं एब्सिसा, एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई का नाम है ऑर्डिनेट, क्या नाम है आपको ऑर्डिनेट, याद रखिए हो जाएगा याद, एक्स एक्सिस को बोलते हैं मतलब एक्स पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, नाम याद रखिएगा। चलिए तो फाइंड द ऑर्डिनेट मतलब वाई निकालने बोल रहा है, देखिए और ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 10, एब्सिसा मतलब पॉइंट ए है, एब्सिसा मतलब क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स पहले होता है तो मान हम लिख देते हैं एक्स वाई, अब देखिए गिवन मिला है एक्स का मान क्या दिया है एब्सिसा 10 दिया हुआ है और ऑर्डिनेट निकालना है मतलब वाई निकालना है, तो वाई कुछ नहीं लिख दिए, अब कह रहा है Which is at a distance of 10 unit from the point A. अब एक पॉइंट A है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ B है, B ने यहाँ P दिया है, P लिखते हैं 2 और -3, ये पॉइंट P दिया हुआ, ठीक है बच्चा, अब इसका यहाँ से AP का दूरी देखिए क्या दिया हुआ 10 यूनिट, क्या दिया हुआ है 10 यूनिट, ये दिया है 10 यूनिट, कितना दिया बच्चों 10 यूनिट लिख दिए UNIT, समझ गए ना, चलिए निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, AP का डिस्टेंस दे दिया है 10 है ना, AP का वैल्यू क्या दिया था 10, अब AP का डिस्टेंस निकाल दीजिए तो हो जाएगा 2 - 10 मतलब X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया, यहाँ रूट है ना एक साइड रूट है इधर रूट नहीं है, तो यहीं पर कर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स मतलब दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटा दिए 2 - 10 कितना होगा 2 में जाएगा 10 तो -8 तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, अब देखिए ये हो गया ए माइनस बी का होल चतुर्थी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बी, ए का मान माइनस का था इसलिए क्या दिए माइनस दिए, ये तो फॉर्मूला का माइनस इसलिए माइनस मत दीजिएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं तो इधर का स्क्वायरिंग क्या रूट हट गया, इधर का स्क्वायरिंग लगा क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब देखिए 64 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 है तो 9 ही होगा बोलिएगा नहीं, क्योंकि माइनस प्लस होता है वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया ई माइनस प्लस हो गया 3 दुनी
6y बराबर 100 हो गया। ठीक है, आप देखिए लिखिए इसे y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस लिख दिए 64 और 9 जोड़िए बच्चों कितना होगा, 64 और 9 आपका हो जाएगा 73, इन होगा कितना होगा जोड़ लीजिए, होगा 64 और 73 100 इधर ले आएंगे माइनस 100 बराबर 0, तो आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y उसके बाद 73 में चल जाएगा आपका 100 क्या होगा माइनस 27 होगा कि नहीं। चलिए अब क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन को इधर से मिटा देते हैं हम, हो गया। चलिए गौर देखिए, अब गुणनखंड आ गया, कौन सा आ गया गुणनखंड, मिडिल टर्म फैक्टर्स तोड़िए उसको, 27 करेंगे वाई स्क्वायर से, 27 वाई स्क्वायर बीच में कितना 6 है, ऐसा दो संख्या बोली जिसको जोड़ने या घटाने से 6 हो गुणा करने 27, एकदम सिंपल है। 9 में चल जाएगा 3 6 और 9 3 27, 6 को दो भाग बांट देते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, 9 में जाएगा 3 6 जाएगा और 9 3 27 आराम से, अब वाई वाई कॉमन लिए क्या हो रहा वाई प्लस 9 ये 9 है, अब यहाँ पर 3 और 27 से 3 कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 नवा 27 बराबर 0, वाई प्लस 9 दोनों में आ गया मतलब मेरा गुणनखंड सही है, अब यहाँ क्या बचा वाई बचा, यहाँ क्या बच गया माइनस 3 बराबर 0, तो वाई बराबर जाएगा माइनस 9 या वाई बराबर 3, प्लस 9 जब रहेगा क्या हो गया माइनस 9 और माइनस 3 जाए क्या हो गया प्लस 3, तो आपका जो ऑर्डिनेट था ओ आर डी आई एन ए टी ई वाई पॉइंट क्या निकला माइनस 9 या 3, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो दोनों बताए, इससे पहले वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट बताया वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सारे सवाल को एक जगह कॉपी में कलेक्शन करके उतार लीजिए, नोट बना लीजिए ताकि आपको परीक्षा समय देखने में आसानी हो, रिविजन करने में मदद मिले। तो बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, टिल देन गुड बाय।